क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। निम्न सूचनाओं के आधार पर अज्ञात मूल्य को ज्ञात कीजिए। जो हमारा अज्ञात मूल्य है, बिक्री माल की लागत पर लाभ दिया हुआ है 30%, शुद्ध लाभ पर विक्रय पर शुद्ध लाभ दिया है हमारा 15%, ठीक है। नेट प्रॉफिट टू सेल्स दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट का रेशियो दिया है इस क्वेश्चन में 15% दिया हुआ है। फिर बोला बिके हुए माल की लागत दिया हुआ है 150,000, परिचालन व्यय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है 12,000, हमको निकालना है सेल्स, नेट प्रॉफिट और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालना है, मतलब गैर परिचालन व्यय। हमको परिचालन व्यय दिया है, गैर परिचालन व्यय निकालना है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 12,000, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमको बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन नंबर 8 में अगर 15-20 चीजें दिया हुआ है तो मत लिखना, बिल्कुल भी मत लिखना, लेकिन अगर 2-4 चीजें दिया हुआ है तो लिख लेना, ठीक है। अब हमको उसके बाद पूछा है सेल्स निकालना है, ठीक है। क्या निकालना हमको, सेल्स निकालना है। बिके माल की लागत पर भी लाभ दिया हुआ है, और बिके माल की लागत पर लाभ दिया है 30%, और हम बिके माल की लागत भी दी 150,000, है ना, इधर लिखा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, जो दिया है उनको टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 100, ठीक है। अब कॉस्ट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने, 30 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 30 दिया हुआ है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट पता है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट पता है क्या, अभी नहीं पता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है क्या, पता है। ग्रॉस प्रॉफिट अभी हमको नहीं पता, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने, 150,000 इंटू 100 कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर दो, जो डिवाइड में मल्टीप्लाई और जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड में, तो 30 × 150,000 रुपीज डिवाइड बाई 100 कर दोगे तो आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, एक गुना कितना आएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा 45,000 रुपए, 45,000 रुपीज आ गया, ठीक है। हमको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकालता, हमको नेट प्रॉफिट निकालता है, ठीक है। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है 150,000, तो सेल्स निकालते हैं, निकाल सकते हैं लोग। इसको मैं डाल देता पॉइंट नंबर 1 डाल देता हूँ, 1-2 करके बनाएंगे थोड़ा सा अच्छे से बनेगा ना। पॉइंट नंबर 2, सेल्स निकालना है हमको, तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बिके हुए माल की लागत में, जो माल बेचा हूं मैं बिके हुए माल की लागत में, मैं उससे अगर प्रॉफिट जोड़ दूं ग्रॉस प्रॉफिट, तो मेरा क्या निकल जाएगा, सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। 150,000 प्लस 45,000, तो मेरा जाएगा 1,95,000 रुपीज का जाएगा, 1,95,000 रुपीज मेरा आ गया सेल्स, ठीक है। क्या चीज आ गया हमारा, सेल्स आ गया। अब हमारा देखो ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, सेल्स निकल गया, तो हम नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तरीका देखना नेट प्रॉफिट निकालने का, ठीक है। हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला था, नेट प्रॉफिट रेशियो क्वेश्चन में जो दिया हुआ था फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट रेशियो का, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने का तरीका है, इसका फॉर्मूला कर देते हैं, नेट सेल्स पर नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स या सेल्स इनटू 100। इसमें क्या क्या चीजें दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, इसको निकालना, बस कोई चीज मिसिंग होना चाहिए, ठीक है।
तो नेट प्रॉफिट रेशियो कितना दिया 18%। तो नेट प्रॉफिट रेशियो हमको दिया है 15%। नेट प्रॉफिट हमको पता नहीं, तो नेट प्रॉफिट का नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स दिया 1,95,000 रुपीज। ठीक है, तो परसेंटेज से कितनी नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूड में 100 डाल रहा हूँ। ठीक है, तो 15/100 यहीं पे डाल दो, या यहाँ पे फॉर्मूला साहब ने यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, अब इसको इसे गुणा और 100 से डिवाइड, तो 15 × 195/100 इक्वल टू आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट 29,250। तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू आ गया हमारा 2950। ठीक है, रुपीज 2950 2950। ठीक है, ये हमारा आंसर 29,250 रुपीज आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। मेरा नेट प्रॉफिट भी निकल गया, क्या क्या बोला था इसमें, सेल्स बोला था निकल गया, नेट प्रॉफिट बोला था निकल गया। अब हमको निकालना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, हम लोग नेट प्रॉफिट दिया हुआ, ठीक है, देखते हैं। ये हमारा है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट दिया कितना हमको 45,000 दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट हमको। ठीक है, अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में मैं अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, प्लस नेट प्रॉफिट दोनों माइनस कर दूं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बना के लिख देता ना मैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बना के लिख देता हूं मैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट में दो चीजें माइनस कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, माइनस नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट, मैं ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों को माइनस करता हूं तो नेट प्रॉफिट आता है। तो यहां पर हमारे पास ऑपरेटिंग भी है नॉन ऑपरेटिंग भी है, तो नेट प्रॉफिट माइनस करूंगा तो नॉन ऑपरेटिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा दिया कितना 45,000, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगा 12,000, नेट प्रॉफिट दिया 29,250 दिया हुआ है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3,750 रुपए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ऐसे खर्चे जो बिजनेस को चलाने के नहीं है फिर भी हमारे पास आ गया, जैसे कि इंटरेस्ट, टैक्स, बिजनेस को चलाने का खर्चा है क्या, नहीं है। सैलरी बिजनेस को चलाने का खर्चा है, रेंट अगर किराए में नहीं लेंगे तो बिजनेस नहीं चला सकते वहां पे, है ना। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब देखो ग्रॉस प्रॉफिट सभी तरह के खर्चे माइनस होते हैं तो जाके हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब जो बिजनेस चलाने ऑपरेट करने का खर्चा है, बिजनेस को ऑपरेट करने का चलाने का खर्चा है, सैलरी रेंट कमीशन, ठीक है, और नॉन ऑपरेटिंग मतलब इंटरेस्ट दिए हैं या फिर इंटरेस्ट हमको मिला है इनकम, जैसे मान लीजिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोले तो इंटरेस्ट मिला, कहीं भी हम लोग ब्याज में दिए थे इंटरेस्ट मिल गया, हमारा बिजनेस चीज का नहीं, मान लीजिए हमारा किराने का दुकान है पर हमारे पास पैसा रखा हुआ था बैंक में, तो बैंक वाला हमको ब्याज दे रहा है, ठीक है, तो वो ब्याज जो है नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, वैसे हम लोग कहीं लोन लिए तो दे रहे हैं। ठीक है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, क्लियर हुआ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या था, क्लियर हुआ, तो वही है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नेट प्रॉफिट के, तो यहाँ पे हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का आंसर। ठीक है, तो तीन चीजें निकालनी थी हमको, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। ठीक है,